बॉडी लैंग्वेज इस दुनिया की ऐसी पावर जिसका नॉलेज अगर आपके पास है तो आप किसी भी पर्सन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है या बहुत सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जिस 10 बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपसे हर दिन मिलता रहूं। नंबर वन, अगर कोई मेल पर्सन अनकंफर्ट फील करता है किसी से बात करते टाइम, तो वो बार बार अपने फेस को टच करता है। और इसी के कंपेयर में अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जब अनकंफर्ट फील करती हैं किसी से बात करते टाइम, तो वो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि या तो अपना गला टच करती हैं या फिर वो अपने कपड़े टच करती हैं या फिर वो अगर ज्वेलरी पहनी है तो उसको टच करती हैं या फिर वो अपने बाल को टच करती हैं या फिर वो अपने हाथ को टच करती हैं। सो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग साइंस होते हैं, तो जब भी मेल या फीमेल कोई भी सामने वाले से बात करता है तो अगर वो कोई परेशानी फील करता है तो वो मैक्सिमम टाइम ऐसी ही एक्टिविटीज़ करते हैं जैसा मैंने आपको बताया है। नंबर टू, फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो और वो बात करते टाइम आपके सामने दोनों हाथ रगड़ रहा है, इसका मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है। नंबर थ्री, फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन बात करते टाइम अपने चिन पर हाथ रखता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बातों पर इंटरेस्टेड है और वो आपकी बातों पर ध्यान भी दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। नंबर फोर, फ्रेंड्स, अगर आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो और वो आपसे बात करते टाइम अपनी पलकें ज़्यादा झपकाता है, इसका मतलब होता है या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है किसी बात को लेके, या फिर वो स्ट्रेस में है। सो उस टाइम पे हम ज़्यादा तेज पलकें झपकाते हैं जब हम या तो झूठ बोलते हैं या फिर हम टेंशन में होते हैं। नंबर फाइव, फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपसे बात करते टाइम कोई बंदा बार बार नोडिंग कर रहा है, मीन्स कि वो बार बार अपना सिर हिला रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो इस बात की टेंशन में है कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। उसके सामने जो है वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, इस बात से वो टेंशन में होता है। इसके अलावा एक रीज़न और भी हो सकता है कि अगर आपने उस पर्सन को कोई काम दिया है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो इस बारे में भी सोच रहा होता है कि वो उसे पूरा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। नंबर सिक्स, ये चीज़ फीमेल्स पर इम्प्लीमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं बाहर गए हो और आपको कोई आसपास एक फीमेल नज़र आती है और आप उसे देखते हो और उसके पास एक पर्स भी है या फिर उसने एक बैग लिया है, तो आप इस चीज़ पर ध्यान देना कि अगर वो अपना पर्स या अपना बैग अपने गोद में रख लेती है और या तो उसे कसकर पकड़ लेती है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी बात को लेकर परेशानी में है या फिर वो किसी चीज़ को लेकर अनकंफर्ट फील कर रही है। नंबर सेवन, फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर बैठे हो और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो शांति से नहीं बैठा है, वो चुपचाप नहीं बैठा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे कि वो अपनी चाबियों से खेल रहा है या फिर वो अपनी रिंग पहना है उससे खेल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास कोई कॉइन है उससे वो खेल रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ अगर वो पर्सन कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है और वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसका उस जगह पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नंबर एट, फ्रेंड्स, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला पर्सन आपसे आई कांटेक्ट बना के रखता है, मतलब कि वो आपकी आंखों में सीधा देखता रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। बट इसके अपोजिट में अगर वो पर्सन आपको ज़रा से ज़्यादा देख रहा है, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा घूर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है वो पर्सन आपसे गुस्सा है या फिर वो आपको धमकी भरी नज़रों से देख रहा होता है। नंबर नाइन, फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन अपने नीचे के लिप्स को चबा रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन किसी बात को लेकर टेंशन में है या फिर उसके अंदर किसी बात का डर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद को सेफ फील नहीं कर रहा है।
नंबर 10, फ्रेंड्स, अगर कोई मेल पर्सन किसी बात को लेकर टेंशन में होता है तो वो अपनी शर्ट के कॉलर और गर्दन के बीच अपनी फिंगर्स को ले जाते हुए अपने कपड़ों को खींचने लगता है। इसी के अपोजिट कोई अगर फीमेल पर्सन किसी बात को लेकर टेंशन में होती है तो वो अपनी गर्दन को हवा देने के लिए अपने बालों को अपने हाथों से पीछे उछाल कर ले जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपसे हर दिन मिलता रहूं।